अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लोगों को पता चल जाएगा कि ये दूसरा जॉब आप ही के हेल्प से मिला है, बात घूम के वही आ जाएगी। समझिए ना बात को, माँ हूँ मैं 3 बच्चों की। अच्छा ठीक है, नहीं करता मदद आपकी हैप्पी, लेकिन काम तो करना ही चाह रही है, तो इतने दिनों जो आपने काम ढूंढा था मिला था आपको कहीं? चलिए एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, सोल्यूशन बताता हूँ, जो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रही ना उससे मुक्त हो जाएंगी एकदम से। अब क्या कीजिए, आप वापस अपने परिवार के पास लौट जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। पहले भी कोई काम नहीं करना पड़ता था, चली जाएंगी अब भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, है ना? जो आप ये कह रही हैं कि मुझे कृष्णा की लड़ाई लड़नी है, जवाब देना है अशोक को, और ये मुझसे जो आप इतना दुखी हैं, मुझसे जो मुक्त होना चाह रही हैं, सब समस्याओं का निदान है। गो बैक टू योर फैमिली, जाइए ना। बाबूजी, बाबूजी, हम कह रहे हैं अपना मुंह साफ कर लियो, कब तक ऐसे बैठे रहोगे हैं? बेकार में अब आस्था, आस्था बिटिया, ये तुम्हारे चेहरे पे किसने मिट्टी लगा दी हैं? बोलो आस्था। दादाजी आपके चेहरे पर क्या हुआ? हमारे चेहरे को छोड़ो बेटा, ये बताओ ये तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी किसने लगा दी? स्कूल के बाहर नुपुर से लड़ाई हो गई, उसी ने मिट्टी लगाई है। झूठ, आस्था झूठ बोल रही है। बाहर से आए तो पता चला कि कुछ लोगों ने बाबूजी के चेहरे पर काली फुद्दी। झूठ है ये, आस्था के चेहरे पर भी मिट्टी नुपुर ने लगाई है, झूठ बोल रही है भी। अरे हम बताते हैं सच क्या है, सच यह है कि इसके चेहरे पर मिट्टी और आपके चेहरे पर कालिक किसी ने भी पोती हो, लेकिन उसके पीछे का कारण कृष्णा और भाभी हैं। अरविंद ये क्या बोल रहे हो तुम? सच कह रहे हैं अम्मा, सच कह रहे हैं। और देखिएगा, उस कृष्णा के चक्कर में अगर भाभी ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रही तो इस घर के हर सदस्य के मुंह पर ऐसे ही मिट्टी और ऐसे ही कालिक पोती होगी, देखिएगा। लेकिन चाचू अगर गलत कृष्णा मम्मी और नुपुर हैं, तो हमारे चेहरे पर मिट्टी क्यों लगी है? लगनी आस्था, सही कहा आस्था ने, कालिक तो यशोदा और कृष्णा के चेहरे पर लगनी चाहिए थी। कैसे आस्था को उसकी माँ के खिलाफ भड़काया जा रहा है, लेकिन हम खुद एक माँ होकर ऐसा नहीं होने देंगे। आस्था बेटा चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मी की गलतियों का उसे एहसास करवाएंगे, उसकी गलतियों को ठीक करेंगे। मेरी बात तो सुनिए आप, कम से कम ये तो बता के जाइए आपने सोचा क्या। इसे हक दिलाने यहां तक आई हूं मैं रणधीर जी, अब बिना उसे हक दिलाए वापस नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी आत्मसमर्पण, मैं लड़ूंगी। कृष्णा को उसका हक दिला के रहूंगी मैं। तो फिर जहां मैंने आपकी नौकरी की बात की है वहां मिलाइए ना एक बार जाके, अच्छा आदमी वो, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अब दोबारा किसी आदमी के साथ काम नहीं करूंगी, कोई ऐसा काम ढूंढूंगी जहां जहां किसी और के साथ नाम ना जुड़े मेरा। जमाने की परवाह है और जमाने से ही लड़ना है, ऐसा तो सबसे जीत के भी हार जाएंगी आप। जमाने की परवाह नहीं है रणधीर जी, हाँ मेरे सास ससुर मेरे घर वाले इनकी परवाह है। कामिनी जी, जी बाबूजी, आस्था का चेहरा साफ करवा दो। हाँ आस्था बिटिया तुम्हारा मुंह धुला देते, आ जाओ। बाबूजी मुंह पोछ लीजिए,
बाबूजी कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप? लीजिए मुंह पोछ लीजिए। हमारा चेहरा तो साफ हो ही जाएगा अरविंद, लेकिन जो दाग हमारी इज्जत पर, हमारी आत्मा पर लगे हैं, वो कैसे साफ होंगे? ठीक है, मत कीजिए मेरे साथ काम, उसके साथ भी मत कीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। आज रात बच्चों के साथ एक बार घर आ जाइए प्लीज। क्यों? मैं वो माथुर साहब वाला केस जीत गया हूं, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पार्टी रखिए, बहुत लोगों को बुलाया है, आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए यही समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी आपको फेयरवेल दे रही है। इन्हें भी अच्छा लगेगा, चेंज हो जाएगा ना इनका थोड़ा। प्लीज आ जाइए। आपने आज तक मेरी हर बात मानी भी है, सुनी भी है, ये तो यकीन हो गया होगा कि मैंने आपका बुरा नहीं किया आज तक। इतना भी गलत आदमी नहीं हूं, इसलिए खैर बात कुछ और ही है। एक्चुअली मैं ये चाहता हूं कि वो सब लोग जो आ रहे हैं उन्हें मैं ये बता सकूं कि आपका और मेरा रिश्ता कितना पवित्र है। आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सबको ये बता सकें। प्लीज एक बार आ जाइए प्लीज। हाँ, मैं और बच्चे आ जाएंगे। थैंक यू। हंस गई यशोदा। चलो आज रात की कहानी और बाकी है, उसके बाद मेरा बदला पूरा और तुम्हारा काम खत्म। मैडम जी, उनके घर जाना ठीक रहेगा क्या? उन्होंने बहुत मदद की है कृष्णा हमारी, और अगर इतनी बार कोई कहे तो मना कैसे कर सकते? और तुम दोनों रहोगे ना मेरे साथ? आनंद जी, बड़ी बेबी रास्ते में मिली थी, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। छोटी है ना वो, ऐसा कुछ देखा नहीं है लाइफ में, तो ये स्वाभाविक है। अगर हम उन्हें थोड़ा वक्त देंगे तो वो समझ जाएंगे। मैं समझाऊंगा उन्हें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।